Top 5 Minecraft Tips and Tricks. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, तो कोई दिक्कत हो तो बताना। इसमें मैं आपको माइनक्राफ्ट के 5 टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ, जो बहुत ही बढ़िया और स्पीड रन में भी काम आ जाएंगे आपके बहुत। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर ट्रिक ये है कि जैसे आप मतलब आपका कोई वर्ल्ड का स्पॉन होगा, वहाँ पर आप क्या करो, बहुत बड़ा सा गड्ढा बना दो। कम से कम 25 या 28 ब्लॉक्स गहरा होना चाहिए और 5x5 का होना चाहिए, ताकि आपका फ्रेंड जो भी हंटर वगैरह होगा वो स्पॉन होती मरेगा तो फिर वो मतलब उस गड्ढे से बाहर तो निकल पाएगा नहीं। तो इससे तो आप गेम आराम से कंप्लीट कर लोगे और वो आपका हंटर कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, वो अपना गड्ढे में फंसा रह जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं सेकेंड नंबर ट्रिक की ओर। नंबर 2। सेकेंड नंबर ट्रिक ले हम आगे केव में। इस केव में क्या, अगर आपका कोई मतलब फ्रेंड या हंटर आपके पीछे पड़ा होगा, तो फिर आपको क्या करना है, केव के अंदर मतलब एक गहरे में अंदर स्ट्रेट डिग डाउन करके माइनिंग एरिया में आ जाना है, कुछ इस तरह के। फिर आपको क्या करना है कि आपके पास एंटर पॉइंट होने चाहिए, और फिर अगर आपने कोई डेजर्ट टेम्पल से TNT लूटे हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। आपको फिर उसको भी सपोर्ट कर देना, आपका क्या हंटर पीछे रहेगा। ओ सॉरी, मतलब मैं फेल हो गया, मैं सेकंड टाइम करके बता रहा हूँ, मतलब एक मिस्टेक की वजह से। चलो आपकी बार वर्क कर जाएगा, देख लेना। आपको डेजर्ट टेम्पल से लूटी हुई ये TNT को लेना है, पर आप पिछली बार मैं इसको तोड़ना भूल गया था, इसकी वजह से फेल हो गया था। आपको भी सपोर्ट करना है और ब्लॉक के एकदम बीच में एंटरप्रेल मारते जाना है। इससे क्या होगा, आप तो बहुत ज़्यादा साइड में आ जाओगे, लेकिन इससे आपको थोड़ा बहुत सफोकेटिंग से डैमेज मिलेगा, और आपको फिर फटाफट अपने पिकैक्स से ऊपर और एक नीचे वाला ब्लॉक तोड़ना है। लेकिन इससे आप बस तो जाओगे, लेकिन इससे आपकी हेल्थ कम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से यूज़ करना। अभी सारे TNT फूट चुके हैं, अभी आपको मैं उस स्पॉट पे वापस लेके चलता हूँ, देखना वहाँ पे कितनी तबाही हुई है। लो मैं जा रहा हूँ, ये ब्लॉक हटा रहा हूँ एक एक फटाफट। ये देखो, शायद मेरे को और दिख गई जगह, आपको दिखी वहाँ पे, देखो कितना बड़ा विस्फोट हुआ है। ये देखो जगह तो पूरी तहस नहस हो गई और आप बच गए। आपको बस ऐसे ब्लॉक करना है, क्योंकि माइनक्राफ्ट ग्लिच भरा हुआ है, ग्लिचेस से तो ये गेम चलता है बढ़िया। चलो अभी नंबर 3 पे चलते हैं, इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। टिप नंबर 3 है कि अगर आपके पीछे कोई हंटर पड़ा हो, अगर आप नेदर से विलेज रोड वगैरह लेके आ चुके हो, तो आपके पास फायर इसका पोर्शन तो पक्का ही होगा। तो आपको क्या करना है कि एक लावा बकेट आपके पास होनी चाहिए, आपको एक गड्ढा बनाना है, गड्ढा कम से कम 10 ब्लॉक का होना चाहिए अंदर तक। आपका हंटर आपके पीछे आएगा, आपको फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन बिना अपने ऊपर लावा डाल देना है, तो वो तो आपके पीछे गड्ढे में कूदेगा, तो आपके पास तो फायर रेजिस्टेंस होगा, उसके पास नहीं होगा, तो फिर वो तो जल के मर जाएगा। ये थी टिप नंबर 3। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 ये है कि अगर आपके पास आपका कोई क्रिएटिव वर्ल्ड होगा, तो फिर आपको अगर कोई ऑब्सीडियन का ब्रिज बनाना होगा, तो फिर आप क्या करना कि एक लावा बकेट लेना और कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ट्राई करके बताना, कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है वो ऑब्सीडियन का ब्रिज बनाने का। ये आ गया मैं एक उसकी तरफ, क्या बोलते हैं, रिवर में। अभी मैं रिवर के एक छोर तक दूसरे छोर तक मतलब एक ब्रिज बना के बताता हूँ आपको। 2 मिनट है बस, मैं साइड में आ गया ब्रिज के, ये बीच में एक ब्लॉक तंग कर रहा है, इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक लेवल में आ जाना है पानी के, और तो आपको बस ये लावा बकेट स्पैम करते रहना है। हाँ, अगर आप थोड़े प्रो हो गए तो आप और अच्छे से कर लोगे। आपको बस इसमें ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है, अगर आप एक एक ब्लॉक प्लेस करना चाहो ऑब्सीडियन का तो वो कर लेना, लेकिन मेरे को तो ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका लगा, ये ज़्यादा इजी रहेगा। और अगर अगर आपके ऊपर मतलब कोई गलती से लावा बकेट ऊपर प्लेस हो जाती है, तो आप अगर उसको हटाओगे तो आपको आसपास वो मिल जाएंगे, स्टोन मिल जाएंगे, तो स्टोन वो भी बढ़िया मतलब शेप में रहते हैं, तो वो भी बढ़िया अच्छे से दिखेगा, आपके बीच में डेकोरेशन भी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं, ये देखो मैंने इतना लंबा ब्रिज बना लिया बहुत कम टाइम में, और ये देखो ये इतना लंबा ब्रिज बन गया, ये एक बकेट प्लेस की बन गया। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो फिर ये देख लो, मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये आपका आ गया वो स्टोन के पाथ,
टिप नंबर 5 ये है कि अगर आप कोई किसी भी डेजर्ट टेम्पल में जाते होगे तो आपका हंटर भी पीछे आएगा। तो आपको क्या करना है, डेजर्ट टेम्पल के जो भी TNT होते हैं ना वो अंदर के फोल्ड लेना है, और ठीक जो ऊपर का जो होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको, टॉप टॉप में से अंदर जाने का रास्ता होता है वहाँ, उसके ठीक नीचे वाला ब्लॉक भी तोड़ देना है। क्योंकि यहाँ से अगर वो हंटर नीचे कूदेगा तो फिर वो सीधा लगभग 30 या फिर 35 ब्लॉक्स नीचे जाके गिरेगा, और इसमें तो आयरन आर्मर होता है तो भी बंदा मर जाता है। अगर उसके पास आर्मर नहीं होगा तो भी वो मर जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ट्रैप है। इसकी जगह अगर आप अगर TNT की प्लेस या प्रेशर प्लेट की प्लेट चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो, ट्रैप चेस्ट भी लगा सकते हो, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। ये भी ट्राई करके बताना आप मेरे को कमेंट्स में। Thanks for watching. Bye bye. Jai Sri Ram. Thanks for watching. Jai Sri Ram.